हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा मोटर के तरफ से नई आने वाली फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के बारे में। अभी हाल ही में टोयोटा मोटर्स ने अपनी नई फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को थाईलैंड मार्केट में लॉन्च कर दिया है और हमें आशा है कि इस कार को बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर में काफ़ी सारे नए बदलाव किए हैं, एक्सटीरियर में, फीचर्स में, इंजन में। तो आज के वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। और जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब अगर फ्रेंड हम बात करते हैं सबसे पहले इस कार के एक्सटीरियर से, तो इस कार के एक्सटीरियर में काफ़ी सारे नए चेंज किए हैं। इस कार के एक्सटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है, जिसके साथ आपको न्यू वाले हेडलैम्प विद DRL की पैटर्न को भी चेंज किया गया है। नीचे आपको न्यू वाले फॉग लैंप्स हाउसिंग मिलने वाले हैं। इसके अलावा फ्रंट में आपको सिल्वर क्लिप मिलने वाली है, डीफॉगर ग्लास, वॉशर वाइपर, ऊपर आपको सरफेस एंटीना तो मिलता ही था। इसके अलावा LED में आपको न्यू वाले टेल लैंप मिलने वाले हैं। रियर बम्पर को भी चेंज किया गया है और इसके साथ आपको नीचे फॉग लैंप भी मिल जाते हैं। ओवरऑल देखे तो फ्रेंड इस कार की एक्सटीरियर के लुक पहले से काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा इस कार के एक्सटीरियर में आपको R80 इंच के न्यू पैटर्न वाले अलॉय व्हील भी दिए गए हैं, जो इस कार को और बेहतर बनाते हैं। ओवरऑल देखे तो फ्रेंड इस कार के एक्सटीरियर के लुक पहले से काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इस कार के इंटीरियर व फीचर्स की, तो इस कार में आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। अब आपको इस कार में कनेक्टेड कार टोयोटा कनेक्ट का फीचर्स मिलने वाला है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, न्यू पैटर्न एम्बिएंट लाइट, किक टू ओपन रियर टेल गेट, इसके अलावा 360 डिग्री व्यू कैमरा, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, 9 GBL के स्पीकर जैसे काफ़ी सारे नए फीचर्स को इस कार में ऐड किया गया है। थाईलैंड मार्केट में जो लॉन्च हुई है उसमें आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है, पर इंडिया में जो कार लॉन्च होगी उसमें आपको ड्यूअल टोन का इंटीरियर मिल सकता है। वही अब अगर हम बात करते हैं इस कार के साथ दिए जाने वाले इंजन की, तो आपको बता दें कि इस कार के साथ जो दिया जाने वाला 2.8 लीटर डीजल इंजन है वो पहले से काफ़ी पावरफुल है। इसमें आपको 2.4 bhp तक का पावर और 500 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है, जो करीब 27 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 50 Nm ज़्यादा टॉर्क की है। वही अगर हम बात कर लेते हैं फाइनली इस कार के प्राइसिंग व लॉन्च डेट की, तो आपको बता दें कि ये कार थाईलैंड मार्केट में आपको इंडियन करेंसी के मुताबिक 31 लाख से 42.30 लाख में ये कार मिल जाती थी, जो अब महंगी होकर आपको 31.54 लाख से शुरू होकर 44.54 लाख में आपको मिल जाती है, जो अब आपको 50,000 से 2 लाख पहले से महंगी मिलने वाली है। अब वही अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये कार आपको इंडिया में 28 लाख से शुरू होकर 34 लाख में ये कार आपको मिल जाती है। वही अगर हम बात करते हैं फाइनली इस कार के लॉन्च डेट की, तो आपको बता दें कि इस कार को 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कार को लॉन्च किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।